हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 अक्टूबर 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जेडीयू का राजद से डर लग रहा है, ऐसा कहना है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का, जिन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर राजद नेताओं के जेडीयू नेताओं ने कुछ भी बोला तो नीतीश कुमार की कुर्सी छीन ली जाएगी। दरअसल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे। इस पर फिलहाल कोई भी जेडीयू नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसी को लेकर आप संजय जायसवाल ने कटाक्ष किया है। दोस्तों बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने प्रोबिशन कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वह आधिकारिक वेबसाइट cbse.bihar.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई प्रोबिशन कांस्टेबल परीक्षा 16 अक्टूबर रविवार को एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, मोबाइल नंबर और जन्म प्रमाण पत्र तिथि उपयोग करके अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में सियासी बदलाव को लेकर कायम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से उनकी जन सुराज पद यात्रा की शुरुआत चंपारण के बेहता गांधी आश्रम से होगी। इस बीच बीजेपी से नाता निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीता सच्चिदानंद राय ने यह ऐलान किया है कि वे प्रदेश में पीके का साथ देंगे और यात्रा में शामिल होंगे। उनका दावा है कि इस मुहिम के बाद 2025 में सियासी समीकरण भी बदलेगा। निर्दलीय एमएलसी ने कहा कि बिहार के लोग जात पात से ऊपर उठ जाते हैं। प्रशांत किशोर की सोच बिहार के बेहतरीन के लिए है। उन्होंने दावा किया 2025 में जन सुराज पहला विकल्प होगा और लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण भी बदलेगा। दोस्तों बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम 2022 की परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हुई है। सघनता से जांच के बाद केंद्र के अंदर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला। कदाचार मुक्त परीक्षा और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग जांच की व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन की टीम सुबह से सभी केंद्रों का निरीक्षण करते दिखे। जिले में कुल 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस बार जिले में कुल 12,600 परीक्षार्थी शामिल हुए। मुख्यालय जमालपुर हवेली, खगपुर और तारापुर में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार प्रश्न पत्र से भागलपुर और जमुई से भी सवाल पूछे गए थे। बिहार के किस जिले में सोने का भंडार मिलता है? बिहार के किस जिलों को सेल्फी सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आदि सवाल थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में ज्यादातर सवाल सरल थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद खुशी खुशी सब कोई निकल गए। दोस्तों सरकारी नौकरी के मौके का इंतजार कर रहे और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे देश भर के उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर माह 2022 के दौरान 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का मौका है। दशहरा, दिवाली और अन्य उत्सवों से भरे अक्टूबर माह के दौरान उम्मीदवार केंद्र, संगठनों और विभिन्न राज्यों के सेवा चयन बोर्डों द्वारा विज्ञप्ति भर्ती के लिए आवेदन करना ना भूले। दोस्तों क्या बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे? ये सवाल है। कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही इन सवालों का यदा कदा राजद के नेता हवा दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में 2023 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जता दी है। इस पर राजनीतिक कयासबाजी तेजी हो गई थी। शुक्रवार को दिल्ली से पटना लौटने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जगदानंद सिंह ने इन सवालों को लेकर साफ किया है कि जब देश का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे तो बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। दोस्तों रेलवे 1 अक्टूबर से नया टाइम टेबल लागू कर देगा। टाइम टेबल लागू होने के बाद चाराबाग स्टेशन, लखनऊ स्टेशन, ऐसाबाग और बादशाह नगर स्टेशन पर आने वाले ट्रेनों का समय बदल जाएगा। प्रयाग से आने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस 15 मिनट पहले आएगी। इसी तरह जिन ट्रेनों को 25 मिनट का ठहराव दिया गया था उनको अब 15 मिनट रोका जाएगा। दोपहर में रवाना होने वाले लखनऊ बनारस इंटरसिटी अब दोपहर 1:10 में खुलेगी। कोलकाता जम्मूवती एक्सप्रेस अब 15 मिनट पहले छूटेगी। वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस भी वर्तमान समय से 20 मिनट पहले ही छूट जाएगी।
दोस्तों बिहार की राजधानी पटना का सियासी पारा लगातार गर्म होता रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बना रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर बिहार में इन्वेस्टर मीट के बहाने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार के खिलाफ काफी कुछ कहा है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का स्वभाव में धोखा देना है, वह सबको धोखा देते हैं, वह जल्द महागठबंधन को धोखा देंगे, महागठबंधन को जल्द इसका परिणाम मिलेगा। सुशील मोदी पटना सिविल कोर्ट में रामानंद यादव पर मानहानि मामले में शुक्रवार को गवाही देने पहुंचे थे। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर को आज भारत में हर कोई जानता है। YouTube पर उनके वीडियो के करोड़ों में व्यूज होते हैं। जैसे ही उनका वीडियो YouTube पर आता है वैसे ही वीडियो ट्रेंडिंग में लग जाता है। GS जैसे सब्जेक्ट को आसान शब्दों में समझाने में माहिर खान सर से पढ़ने के लिए हजारों स्टूडेंट उनके कोचिंग सेंटर में आते हैं। वहीं बिहार से ही एक और खान सर निकलकर सामने आया है जिन्हें लोग छोटे खान सर के नाम से पुकारते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे के जो तीसरी क्लास में पढ़ता है मगर वह दसवीं क्लास के बच्चे को मैथ पढ़ाता है। पटना के मसूरी प्रखंड में स्थित है चपोर गांव जहां बॉबी राज रहते हैं। बॉबी वैसे तो तीसरी क्लास में पढ़ते हैं लेकिन वह दसवीं क्लास के मैथ को भी चुटकियों में हल कर देते हैं। यही वजह है कि वह दसवीं के क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बॉबी को ना सिर्फ मैथ का पूरा कोर्स मालूम है बल्कि किसी भी चैप्टर से जुड़े सवालों का उत्तर भी वो आसानी से दे देते हैं। खान सर बॉबी के आदर्श है और यही वजह है कि उनके इलाके के लोग उन्हें छोटे खान सर के नाम से पुकारते हैं।